एमएसपी गारंटी कानून, मोदी एमएसपी गारंटी कानून, जब सब लोग नाम मोदी का ही ले रहे तो हमने भी एमएसपी का नाम भी मोदी रख दिया। मोदी एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होगा, क्योंकि बड़े व्यापारी फसलों को आधे रेट में बेचते हैं। जैसे बिहार में पूर्वांचल से फसलें खरीदते हैं और हजारों ट्रक हमारे लखनऊ से आगे निकलते हैं इन सड़कों से, और वे हरियाणा और पंजाब की तरफ जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर जाते हैं। सस्ते में उनकी लुटाई हो, किसान को कम रेट में खरीदते हैं, और जब वहाँ पे एमएसपी पे खरीद होती है कुछ किसानों की, तो यहाँ का कोटा पूरा होता है तो वहाँ के किसान की खरीद भी नहीं होती। अगर एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाए तो किसानों को फायदा होगा, उसके लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। फसल बीमा योजना से कोई लाभ किसान को नहीं हो पा रहा। अभी बाढ़ आई, बहुत जिलों में, बहुत स्टेट में बाढ़ आई, नदियों में पानी है उससे फसलें बर्बाद हुई, और ऊपर सूखा है उससे बर्बाद हुई। तो सूखा का भी प्रकोप है और बाढ़ का भी है, दोनों चीजों का प्रकोप रहा। गन्ना भुगतान, गन्ने का रेट, दूसरा बिजली की बड़ी समस्या। भाई सरकार बनने से पहले उन्होंने कहा कि हम, हमारी सरकार आएगी तो हम बिजली फ्री देंगे, तो सरकार आएगी बिजली फ्री नहीं है, फिर कहा कि एक साल के लिए बिजली फ्री देंगे, अब वो एक साल के लिए भी बिजली फ्री नहीं है, और किसान ने बिल रोक लिया तो किसान कर्जे में गया। भूमि अधिग्रहण का बहुत बड़ा इशू पूरे देश भर में है, पूरे प्रदेश में है।